हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल प्यार का तड़का में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, इससे मेरा आने वाला हर वीडियो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज बनाएंगे व्रत में खाई जाने वाली मखाने की चाट। इसके लिए कोई पैन या कढ़ाई ले लीजिए। एक टेबल स्पून देसी घी डाल देंगे। अगर आप व्रत में कोई और ऑयल खाते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। ये देखिए, एक मीडियम साइज के उबले हुए आलू को मैंने इस तरीके से छोटा छोटा काट लिया है। इसको फ्राई करेंगे। आलू को इस तरीके से चलाते हुए लाइट गोल्डन कलर का फ्राई करेंगे, ज्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे। ये देखिए, आलू लाइट गोल्डन कलर का हो गया है। अब इसको एक बोल में निकाल देंगे। अब इसी पैन में ये देखिए, ये मैंने 25 ग्राम मखाने लिए हैं, इनको डाल देंगे। इनको लगातार चलाते हुए एक दो मिनट के लिए भूनेंगे। मखानों को लगातार चलाएंगे, जलने नहीं चाहिए। मखानों को भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं और ये देखिए, एकदम कड़क आवाज़ आ रही है, मखाने क्रिस्पी हो गए हैं। अब इसमें 1 टीस्पून देसी घी डाल देंगे, जिससे कि मखाने और भी क्रिस्पी हो जाएंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें व्रत का नमक डाल देंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्ची पाउडर डाल देंगे। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। पैन क्योंकि काफ़ी गर्म है तो अभी इसको मखानों को थोड़ा इसी तरह चलाते रहेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची डाल देंगे। अगर आप व्रत में लाल मिर्ची नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब आगे की तैयारी करेंगे। मखाने जब तक ठंडे हो रहे हैं उसके लिए दही तैयार करेंगे। ये देखिए, मैंने 1 कप ठंडा दही लिया है। 1 टीस्पून इसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे। अगर आप व्रत में खाते हैं तो काला नमक डाल देंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग व्रत का नमक डाल देंगे। मखानों को भूनते समय में हमने नमक डाला है तो दही में इसीलिए नमक ध्यान से डालिएगा। अच्छी तरह से मिला लेंगे। मखाना चाट का दही तैयार है। मखाने भी ठंडे हो गए हैं। अब ये दही मखानों के ऊपर डाल देंगे। थोड़ा सा दही बचा लेंगे। अच्छी तरह से दही और मखानों को मिला देंगे। अब इससे मखाना चाट तैयार करेंगे। एक सर्विंग बोल ले लेंगे, मखाने इसमें ट्रांसफर करेंगे। ये जो आलू हमने फ्राई किया था ये इसमें डाल देंगे। एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे। ये देखिए, ये बिना नमक की रोस्टेड मूंगफली है। थोड़ी सी इसमें मूंगफली डाल देंगे। थोड़े से रोस्ट करे हुए काजू डाल देंगे। ये धनिया पुदीना की चटनी है, ये भी मैंने व्रत के नमक के साथ बनाई है, ये इसमें डाल देंगे। ये इमली की चटनी थोड़ी सी डाल देंगे, ये भी व्रत के नमक के साथ ही बनाई हुई है। थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डाल देंगे। थोड़ा सा काला नमक डाल देंगे। थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे अगर आप खाते हैं तो। ये बीज निकाल के मैंने टमाटर को छोटा छोटा काटा है, ये इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा दही और डाल देंगे। लीजिए, बनके तैयार है हमारी व्रत में खाई जाने वाली बहुत ही टेस्टी हेल्दी मखाना की चाट। इसको खा के आपको बिल्कुल भी व्रत में ना कमजोरी लगेगी ना भूख लगेगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने अनुभव कमेंट करके शेयर कीजिएगा। इसको प्यार से बनाइए, प्यार से खिलाइए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कॉमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल प्यार का तड़का को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।